हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल SS इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो ये एक जूम चार्जर का प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग ऑन नहीं हो रही है। तो इसके लिए देखिए, चारों ट्रांजिस्टर के कारण कैसे ऑन नहीं होती है एक जूम चार्जर। अगर चारों ट्रांजिस्टरों से कोई भी एक ट्रांजिस्टर खराब होगा तो आपका चार्जिंग ऑन नहीं होगा। तो हमने इस के ऊपर डाउट किया है, ट्रांजिस्टर के ऊपर ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि ये चार ट्रांजिस्टर की लेग पे जंग आ चुका है, इसके कारण भी हो सकती है। इसीलिए हम चारों ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद देखेंगे फिलहाल ये एक्यूम चार्जर ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमारा शॉप पे सेफ एक्जुम चार्जर ही रिपेयरिंग नहीं होती है, माइक्रोटेक चार्जर रिपेयरिंग होती है और ईस्टमैन का भी होती है, ठीक है। और जो वगैरह वगैरह जो भी चार्जर है जिसका कंपोनेंट्स अवेलेबल होती है हमारे पास, वो सब चार्जर रिपेयरिंग होती है, ठीक है। आप लोग चाहे तो लेके आ सकते हैं। और एक्जुम चार्जर के ऊपर वीडियो ज़्यादा है इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्जुम चार्जर ही रिपेयर होते हैं और एक्जुम चार्जर की क्वालिटी बेस्ट है, इसीलिए एक्जुम चार्जर मार्केट पे ज़्यादा है और इसीलिए ही एक्जुम चार्जर रिपेयरिंग होने के लिए और उसके लिए एक्जुम चार्जर रिपेयरिंग होने के लिए ज़्यादा आती है, क्योंकि एक्जुम चार्जर मार्केट पे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। और हमारा इस साइड कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि सर एक्जिकॉम के चार्जर के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, एक्जिकॉम का चार्जर हमारे इस साइड नहीं है, एक भी हमारे हाथ नहीं लगा है अभी तक, तो हम कैसे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी तक एक भी एक्जिकॉम चार्जर जो महिंद्रा ट्यूरा का है वो एक भी हाथ नहीं लगा है। मेरा इस साइड वो वाला गाड़ी नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं। अगर आएगा कोई एक भी चार्जर आएगा उसके ऊपर कुछ, वो चार्जर अगर आएगा तो सबसे पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी तक एक भी चार्जर हमारे हाथों पे नहीं लगा है। और आप लोग कमेंट करते हो कि सर माइक्रोटेक का चार्जर का आईसी के बारे में बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो माइक्रोटेक की चार्जर के बारे में होगा, जो उसका ड्राइवर आईसी है 10 पिन का, उसके ऊपर ही होगा, उसका कौन सा पिन VCC है, कौन सा पिन ग्राउंड है, कौन सा पिन PWM के लिए है, जो PWM सिग्नल का मतलब है, जो आपका MOSFET को चलाने के लिए होता है। तो चलिए, हमने नया ट्रांजिस्टर ले लिया है, 327 और 337, 2327 और 2337। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद चार्जर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखेंगे कि ये चार्जर फ़िलहाल ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसका बाद आगे जो प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, या आगे की और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो देखा जाएगा। अभी तक इसको चेंज कर रहे हैं, आप लोग देखिए। और आप लोग कोई भी वीडियो है हमारा वो पूरा देखना, क्योंकि कोई छोटा मोटा चीज़ आपसे छूट जाएगा और बाद में वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब आप लोग कॉल करना शुरू कर दो कि सर ये हो रही है, वो हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप लोग सबसे पहले हमारा वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप लोगों को कॉल करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो और कॉल करने के लिए व्यस्त हो जाते हो, क्योंकि आप लोगों का कॉल करने का कोई टाइम टेबल नहीं रहती है। हम उस टाइम बिजी है या मेरा पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। तो कॉल करना तो सोच समझ के करना, कुछ टाइम रहती है वही टाइम पे करना। पहले वीडियो में बताया था कौन सा टाइम में कॉल करना है, लेकिन आप लोग दिन में जब चाहे आपका मर्जी आप लोग कॉल कर लेते हो, ऐसा कोई बात होती है क्या? मेरा भी पर्सनल लाइफ है, मेरा भी काम धंधा है, या नहीं तो आप लोग समझ रहे हो कि क्या यूट्यूब चला के हमारा पेट चल रहे क्या? हमारा भी काम है, हमारा भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है।
तो यूट्यूब हम चला रहे हैं इसीलिए कि आप लोगों को भी थोड़ा कुछ हेल्प हो सके, लेकिन आप लोग तो हमारे हमें ही दिक्कत कर दे रही है कॉल कर करके, जब चाहे आप लोग कॉल कर रहे हो। इसलिए किसी बंदे को हम बोला कोई हेल्प वेल्प नहीं मिलेगा, ऐसा गलत बात किया, क्योंकि उन लोगों का कॉल करने का टाइम नहीं है। रात को 2 बजे कोई बंदा कॉल कर लेते हो, सुबह को 6 बजे कोई बंदा कॉल कर लेते हैं, ऐसा कोई बात होता है? अब और कोई कोई बंदा तो आपका 2 बजे भी कॉल कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है भाई। हमारा भी पर्सनल लाइफ है, आपका भी पर्सनल लाइफ है। अगर आपके नींद के टाइम कोई बंदा कॉल करे, बार बार परेशान करे, एक दिन हो जाए तो ठीक है, फिलहाल 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कंटिन्यू करते जा रहे तो हमारा तो दिक्कत हो जा रहा है ना। हम तो मशीन नहीं है भैया, हम भी आपके तरह इंसान हैं, हमें भी नींद आती है, हमें भी भूख लगती है। तो चलिए, हमने फ़िलहाल ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज कर लिए हैं, अभी हम देखेंगे कि ऑन हो रहे कि नहीं हो रहे। तो हमने लाइन दे दिए, पंखा भी चल रही है, और इसके साथ साथ देखते हैं चार्जर भी ऑन हुआ है। देखिए चार्जर भी ऑन हुआ है, देख सकते हो पंखा भी चल रही है, चार्जर भी ऑन हो रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो ट्रांजिस्टर का था, ये लेग टूटा हुआ है, देखिए अच्छे से देखिए आप लोग, इसका जो लेग है ये लेग टूटा हुआ है, और ये सब जंग लग चुका है, हल्का हिलाने से टूट जा रही है। तो हमने चारों ट्रांजिस्टर इसीलिए बदल दिए, इस चार्जर में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम ना आए। तो NTC वगैरह भी चेंज करना पड़ा इसका। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही।